चलो ये अच्छी बात है, फाइनली पता चल गया दोस्तों कि शेरू के पिताजी कौन है। शेरू के पिताजी क्या राहुल कृष्ण वैद्य है या फिर है एलिगोनी? भाई आखिरकार अर्शी खान ने नाम तो दे दिया था कि शेरू कृष्ण वैद्य, नहीं शेरू कृष्ण गोनी, राइट, इस तरीके का नाम दिया था, शेरू वैद्य गोनी कुछ समथिंग कुछ ऐसा नाम दिया था दोस्तों। लेकिन आपको बता दूं वो सब फॉल्स है, राहुल वैद्य ने फाइनली पता कर लिया है कि असली पिता कौन है, राहुल वैद्य या फिर है अली गोनी। आइए इस वीडियो में बताता हूं। मैं राहुल बहुत स्वागत करता हूं आपका फीफा फूज में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। फेसबुक ट्विटर इंस्टा पे मौजूद हूं मैं, तो आप लोग मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं। अब बात करते हैं राहुल कृष्ण वैद्य की इस इंस्टाग्राम स्टोरी की, जिसने की सच सामने रख दिया है कि शेरू का बाप कौन है और अर्शी खान को बोल दी है ये बड़ी बात। दोस्तों आपको दिखाना चाहता हूं मैं ये फोटो, फाइनली मिल गया शेरू का बाप राहुल वैद्य ये शेरू का बाप है, शेरू का पिताजी ये है दोस्तों। और आपको बताना चाहता हूँ उसके नीचे कमेंट सेक्शन में लिखा है शेरू का बाप @अर्शी खान, और राहुल वैद्य ने अपने आप को @ किया हुआ है। राहुल वैद्य ने वो स्टोरी को शेयर भी किया है, और वो भी उस गाने के साथ, भाग 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 शेर आया शेर आया। दोस्तों फाइनली राहुल कृष्ण वैद्य ने जो है शेरू के पिताजी को ढूंढ निकाला है, और शेरू के पिताजी फाइनली सामने आ चुके हैं। आप लोगों को इस मजेदार मजेदार वाक्या को लेकर क्या है कहना, इस बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वैसे आपको बता दो दोस्तों, तो अर्शी खान का क्या मूड होगा, अर्शी खान क्या कहना चाहेंगी ये सब चीजें देखकर, ये जानना बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा। आप बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिए फीफा फूस। मैं इसी तरीके की खबरें, चटपटी बातें आप लोगों को बताता रहूंगा। इजाजत दें।